हेलो दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ अपुन पागल है कॉमिक्स के बारे में। सबसे पहले बता दूँ कि ये मेरे पास 20 रुपीज़ वाली रिप्रिंट है और हाल फिलहाल में ही राज कॉमिक्स ने इस कॉमिक को रिप्रिंट किया है। अगर मैं इसकी स्टोरी और कॉन्सेप्ट के बारे में बात करूँ तो ऐसा है कि जो ये कैरेक्टर है ये पागलपन जैसी हरकतें करता है, जिसकी वजह से ये काफ़ी सारे इलीगल एक्टिविटीज़ को भी अंजाम देता है और हर बार इसलिए बच जाता है क्योंकि क्योंकि ये पागल होता है। लेकिन जो डोगे है यानी कि सूरज है, उसको इस बात पे शक होता नहीं है। वो यही सोचते हैं कि ये ड्रामा कर रहा है और वो किस तरह अपने और डोगा शायद इसके पीछे और भी लोग होते हैं जो मतलब शायद इसका भाई भाई होता है जो ये करेक्टर है। यही पूरा प्लान प्लान रचता है डोगा के खिलाफ कि कैसे उसको फंसाया जाए। हालांकि कॉन्सेप्ट जितना बोलने में देखने में सिंपल लग रहा है पर उतना है नहीं। स्टोरी वाकई बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। और अगर मैं आर्टवर्क के बारे में बात करूँ, जैसे कि आप देख सकते हो कि आर्टवर्क भी काफ़ी ज़्यादा शानदार है। और जिस दिन जब मैंने एक कॉमिक मंगवाई थी डोगा माई ब्रदर, उसमें मैंने बताया था कि क्यों मैंने डाइजेस्ट खरीदी नहीं थी, क्योंकि एक डाइजेस्ट ऐसी भी थी जिसमें ये कॉमिक शामिल थी। वही बात है कि मेरे पास ये कॉमिक ऑलरेडी थी इसलिए मैंने वो डाइजेस्ट खरीदी नहीं थी। हालांकि ये तो बात पक्की है कि अगर इस कॉमिक को मैं बड़े साइज में पढ़ता तो और भी ज़्यादा मज़ा आता पढ़ने में। पर हाँ, इसमें भी कुछ मतलब नॉर्मल साइज में भी कॉमिक्स को पढ़ना एक एक अलग ही मज़ा है कि शुरुआत से इसी फॉर्मेट में कॉमिक पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। बस लास्ट में इतना ही बोलूँगा कि अगर आप डोगा के फ़ैन हो तब तो आपको डेफिनेटली ये कॉमिक खरीदनी चाहिए। अगर आप डोगा के फैन नहीं भी हो और अगर आप बहुत अच्छी स्टोरी लाइन और आर्टवर्क को एंजॉय करना चाहते हो, तब भी आप इस कॉमिक को खरीद सकते हो। फुल पैसा वसूल कॉमिक है, अपने टाइम में बहुत ज़्यादा हिट कॉमिक रही है। आज के टाइम में बोलो तो बहुत ही ज़्यादा हिट कॉमिक है ये। अब बस ये देखना है कि डोगा उर्फ सूरज कैसे इस मुसीबत से बाहर निकलता है, कैसे उसका पर्दाफाश करता है विलेन का। तो ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।